घर तैयार हो गया है। तो ये देखो ये कैसे सो रही है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरीन। तो आज मैं रहने वाली हूँ बालकनी में, वो भी 24 आवर्स के लिए। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगी। और मैं मिनी हाउस में रही हूँ और बाहर भी रही हूँ, लेकिन जब भी किसी भी हाउस में रही हूँ तो वो हाउस पूरा बना हुआ होता था। और आज मुझे ऐसे रहना है, खुलकर रहना है, कुछ भी ऊपर नहीं होगा मेरे। तो मुझे इस बात का डर है कि बालकनी में तो वैसे भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यार, जो बहुत परेशानी भी होगी। तो वो आपको देखना है और देखते हैं कि ये कितना ईजी होता है और कितना मजा आता है इसमें। तो आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अब चलो हम लोग चलते हैं। पहले अपना हम वहाँ पर बेड तो बना लें और फिर देखते हैं क्या क्या लगाना है। तो अब मैं मैट्रेस लेकर जा रही हूँ और यहाँ पर लगा लेती हूँ। और यहाँ पर आज आपको बहुत शोर भी सुनाई देगा, देखो आवाज आ रही है। तो यहाँ पर जो है आज मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं यहाँ रही हूँ तो टेंट में रही हूँ या फिर कुछ भी घर तो बना रहता था। आज मुझे खुले में रहना है और यार पता नहीं क्या होगा, छिपकली और बंदर अलग आते हैं यहाँ पे। बंदर का तो आपको बता ही रखा है हम लोगों ने, बंदर आ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ का पूरा सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। रहना तो है ही भाई। यार यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बस थोड़ी देर हुई हूँ यहाँ पे आए हुए, पागल हो रही हूँ मैं सच में। नीचे कुछ काम चल रहा है उसकी वजह से मुझे इतना इरिटेशन हो रही है आवाज से, लेकिन क्या करें, काम है। वैसे मेरा बेड तो अच्छा लग रहा है बहुत, इसका कलर अच्छा लग रहा है और ये मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अब कुशन लेकर आ जाती हूँ और तो मैंने इसको इधर रख दिया और यहाँ पर ये डाला। अब अच्छा लग रहा है, मुझे तो बार बार यहाँ रूम में आने का दिल कर रहा है, इतनी गर्मी लग रही है बाहर। और मैं आप लोगों को सही सही बताती हूँ मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ये, क्योंकि यार इससे पहले अगर मैं आती ना यहाँ पर इतनी धूप थी कि मैं जल जाती। क्योंकि घर में सबने कहा कि थोड़ी देर बाद से करना, उस टाइम पर बहुत धूप थी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, थोड़ी धूप कम हो जाएगी तब करेंगे। तो चलो मैं कुशल लेकर आती हूँ और हाँ अपनी कैट भी लेकर आऊंगी। तो ये है मेरी कैट, इसका नाम है मुक्कू। तो क्या नाम है ना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और मैं इसको जैसे रखती हूँ ऐसा लगता है ये रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है। तो अब मेरे पास चार्जर और एयरपॉड्स है। चलो चलते हैं, बहुत सामान ले लिया, सारा कुछ तो मैं ले आई हूँ, बस खाने पीने की चीजें रह गई है। और खाने पीने की चीजें जो है वो मेरे घर के पास मिल नहीं रही है, वैसे खाने पीने वाली नहीं, मतलब चिप्स या ऐसा कुछ। तो लॉकडाउन है ना तो नहीं मिलेगा, तो घर में जो मुझे मिलेगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ। ये मैं कुछ फूल लगा लेती हूँ यहाँ पर ताजगी के लिए। वैसे तो यहाँ पे फूल ही फूल है और ताजगी भी आपको दिखेगी, मतलब है यहाँ पे बहुत। मेरा घर तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब मुझे पानी लेकर आना है और यहाँ पर बैठ जाना है, मुझे प्यास लग रही है। जब तक आप लोग मेरा घर करने के लिए, और पीछे के शोर को इग्नोर करिएगा। तो अब मैं पानी पी लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ यार मुझे क्या करना चाहिए, अच्छी खासी धूप भी मिल रही है यहाँ पे, तो अगर मेरी रील्स बना दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ और कुछ पिक्चर्स भी ले लेती हूँ, देखो आप लोग मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास आ गए हैं वाटरमेलन खाने के लिए, तो चलो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी लगी थी और ये बहुत ही ठंडा है, तो मजा आएगा खाने में। तो अभी मैंने खाया वाटरमेलन और उसके बाद मुझे ये मिल गए हैं, ये है फ्राइड पोटैटो, मतलब ये वो लग रहे हैं मुझे फ्रेंच फ्राइज टाइप, बड़े बड़े फ्रेंच। चलो मैं खाकर देखती हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मस्कीटोज काट रहे हैं। यही तो चैलेंज है तुम्हारा बालकनी में, जब मैं रही थी तो तुमसे तो एक नेट भी नहीं रहा गया था, अब रहो तुम। टेस्ट कैसा है इसका, मैं नहीं दूंगी तुमसे, कोई मांग भी नहीं रहा भुक्कड़। तो अब मैंने खा भी लिया है और मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट भी नहीं है, अंधेरा होने ही वाला है बिल्कुल। देखो तो मैंने ये रिंग लाइट लगा ली क्योंकि लाइट आनी चाहिए अच्छी खासी। तो यहाँ पर बस अब मैं लेट गई हूँ और अब देखते हैं क्या करती हूँ, मैं फोन चलाऊंगी। और मुझे यहाँ पर लेटने में बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि नीचे जो है ना कुछ भी निकल कर आ जाएगा तो मेरे मुंह पर ही आएगा सीधा, थोड़ा डर लग रहा है मुझे। और ऊपर से मेरे ऊपर से अगर छिपकली गिर गई तो, और यहाँ से अगर बंदर आ गया तो,
ये देखो, ये जो ये है जगह, यहाँ से ही बंदर आया था घर में, और ये देखो बंदर ने क्या हालत कर दी है यहाँ पे, ये देखो। और ये सारे पौधे भी गिरा देता, फिर नए लगाते हम लोग। हाँ, और यहाँ पे कहीं अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी पूरी रात नहीं हुई है। हाँ यार, उड़ने का दिल कर रहा है। कल परसों में जब हम चैलेंज नहीं कर रहे थे, ये इतना अच्छा मौसम हुआ था यहाँ का मतलब कि पूरा इतना अच्छा हुआ था, तब हमने चैलेंज किया। और आज हम लोग कर रहे थे, इतनी गर्मी है और गर्म हवा चल रही है। और उस दिन तो ऐसा लग रहा था यार, बस वहीं बैठ, यहाँ पे बैठे रहो। और मैंने अपने बाल भी बना लिए क्योंकि और ज्यादा गर्मी लग रही थी, फिर बाल खोल के। तो मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। 2000 years later. तो ये देखो, ये कैसे सो रही है। स्लीपिंग ब्यूटी होती है एक, और एक होती है स्लीपिंग अगली। तो ये वो है। समरीन उठ जाओ, चाय पी लो। चाय पी लो यार, तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में। समरीन, मैं इसको लात मार मार के उठा रही हूँ। बड़ी ढीठ है ये। चलो ये तो अभी सो रही है, अब जब ये उठेगी तभी बना देगी वीडियो। Can you move it along? I'm all out of time cards. तो मैं उठकर आ गई हूँ यहाँ पर अपने प्यारे से झूले पे, और मैं सोच रही थी अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने ज्यादा मॉस्किटोज काट रहे हैं, इतने मच्छर हैं यहाँ पे, इतने मच्छर, क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल पागल कर रहे हैं काट काट के, सोने भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ कितने सारे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने बताया ही आपको, क्योंकि यहाँ पे पूरा खुला है ना, तो यहाँ से आ जाते हैं बाहर से। अभी मैं अपनी स्नैपचैट फैमिली को रिप्लाई दे रही हूँ वीडियो बनाकर, जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, रिप्लाई होता है, उसको मैं रिकॉर्ड करके स्टोरी लगा रही हूँ। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग खुश हो जाएंगे, बहुत खुश। तो देखो देखो देखो, दिखाती हूँ। तो देखो, ये इसी का डर था मुझे, और यही मुझे देखने को मिल गई है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी। अल्लाह, ऐसा हो रहा है मेरे मुंह पे गिरेगी अभी ये। मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से, वो शायद मेरे बेड तक ना चल कर आ जाए। यार मैं कैसे करूँगी। इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं बालकनी में चैलेंज कर रही हूँ, इसलिए आ गया ये फुटेज लेने के लिए। हाँ, और फिर ये चैनल पर जाकर देखेगा अभी अपनी वीडियो। तो आप लोग इसके लिए एक लाइक कर देना। तो यार मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मतलब मैं सोच रही थी मुझे लग रही है, भूख लग रही है। तो मैं डिनर का वेट कर रही हूँ कि मुझे डिनर मिल जाए जल्दी से। तो मैंने बोल दिया है मुझे डिनर चाहिए, घर में बैठ कर मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे ये दो मुझे वो दो, और मज़ा आ रहा है इसी चीज़ में। तो अब मेरा डिनर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर खाएंगे डिनर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने डिनर मंगवा लिया है, तो डिनर मेरा आ गया। मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हूँ, तो मुझे यहीं पर अपना जो है हैंड को वो करना होगा। तो मैं अपने बस हैंड्स पे ये लगा रही हूँ वाइप। वैसे मुझे इससे खाना है तो जरूरत नहीं थी। चलो, तो ये है मेरा डिनर, देख लो आप लोग एक बार। तो चलो फिर खाना शुरू करते हैं, और आप लोग भी आ जाओ। जब खिला नहीं सकती तो पूछती क्यों। किस शेफ को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं 10 तोपों की सलामी दूँ। बस औकात ही इतनी है तुम्हारी। चलो मैं खा लेती हूँ यार, क्योंकि आपके सामने खाएगी नहीं। नहीं नहीं, खाने के टाइम पर इतना बोलना नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि ये जानवरों की तरह खाती है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह खा के नाटक कर रही है ना। देखो कैसे खा रही है। आप लोगों को पता है मैं कैसे खाती हूँ। टाइम क्या हो रहा है तो बता दो। 12 बज गए हैं, तो अब मैं डिनर कर रही हूँ। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, मुझे चेंज करना है। चलो अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ पबजी खेल लेती हूँ थोड़ा बहुत यार, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करने के लिए मुझे समझ तो आ नहीं रहा है। तो चलो खेल ही लेते हैं। और इतने टिकटॉकर स्टाइल में एयरपॉड्स क्यों लगा के रखा है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर बैठे ना, क्योंकि खो ना जाए। टिकटॉकर स्टाइल क्या होता है भाई, मैं तो रीलर हूँ, रीलर। चलो भाई पबजी खेल लेते, मच्छरों को खात्मा तो मैंने कर दिया है। और आप लोग बताना कि पबजी क्या सच में वापस आने वाला है, कमेंट में बताना आप लोग। हाँ, अगर आने वाला है तो खुशी मनाएंगे, और नहीं आने वाला तो कोई बात नहीं, ये वाला चलाएंगे। तो मैंने चेंज भी कर लिया, मैं चेंज करके आ गई, जो मैंने पहना था वो चेंज कर लिया। यार मुझे डर लग रहा है यार, मैं नहीं सोऊंगी। क्विट कर लो, ऑप्शन तो है, क्विट तो नहीं करती। टेंट वेंट में रहती थी, मिनी हाउस में रहती थी, तो लगता था मतलब कुछ है, ऊपर है तो घर है एक छोटा सा। यहाँ ऐसा लग रहा खुले में, मैं तो बस यहाँ पर आती हूँ तो ऐसे नहीं बैठती इतनी देर तक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा है कि मेरे साथ वो बंदर वाला सीन हो चुका है पहले भी। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मैं इस पर बैठी हुई थी, तो बंदर मेरे बिल्कुल यहाँ था, और वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ ऐसे। अल्लाह नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। 3 तक मैं काउंट करूंगी, क्विट कर लो। नहीं, मुझे पता है यार, सुबह तक तुम नहीं रह पाओगी यहाँ पर। तुम कैसे बोल सकती हो ऐसे,
नहीं बोल सकती। जज्बा होना चाहिए, जज्बा हिला भी कर लो। नहीं नहीं तो फिर सब लोग बोलेंगे मुझे। नहीं बोलेंगे, मुझे पता है तुम नहीं रह पाओगी तो फिर हाँ। सब बोलेंगे कि कोई नहीं बोलेगा, ये भी नहीं हुआ, कोई नहीं बोलेगा। यार देखो यहाँ से बंदर आते हैं, बंदर और मैं इधर सोऊंगी। 3 weeks later ठीक है चलो, तो मैं क्विट कर रही हूँ और ये मेरा 24 hours के लिए नहीं हो पाया, तो मैं 4 बजे शाम से लेकर रात के 3 बजे तक तो यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन इससे आगे नहीं हो पा रहा मुझसे। तो वैसे अब 4 बजे सुबह ही हो जाएगी। तो यही था मेरा चैलेंज और ये चैलेंज पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ी देर में हो जाता, फिर भी मैं जा रही हूँ क्विट करके। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी, और आप लोग मुझे स्नैपचैट पर भी ऐड करिए जाकर, वहाँ पर सब्सक्राइब करिए, आपको यूजर नेम दिख रहा होगा। तो अब मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।